अल्लाह वाले ट्रस्ट के बारे में बताइएगा कि ये इसके पीछे फिलॉसफी क्या है और कौन से एरियाज पे अल्लाह वाले ट्रस्ट का फोकस है। इस वक्त जो अल्लाह वाले ट्रस्ट है वो फूड, वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन चार चीजों पे जा रहा है। अब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसे फूड एंड न्यूट्रिशन पे रोक लूं, फूड वाटर न्यूट्रिशन पे रोक लूं, लेकिन ये फूड वाटर न्यूट्रिशन पे रुका नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जो डोनर्स हैं वो इतने पुशी थे कि उन्होंने मुझे निकाल दिया हेल्थ की तरफ भी और एजुकेशन की तरफ भी। स्टार्ट जो है वो स्टोरी मैंने अपने यूट्यूब पे कई दफ़ा इंटरव्यूज में कही है, पॉडकास्ट ये पहला है जिसमें बात हो रही है। जब मैं ये पूरे प्रोसेस से निकल गया जिसमें कि स्पोर्ट्स भी कर ली, थिएटर भी कर लिया, बिजनेस भी कर लिया, और मैं बहुत अर्ली एज रिटायरमेंट में शौक था, यानी मेरा दिल भी था, तो मैंने उसमें खैर डिले हो गया किसी वजह से। तो जब मैं डिले होके भी मैं एक स्टेज पे आ गया जब मेरा दिल हर चीज़ से उठ गया, तो मैं हर वक्त ये दुआ करने लगा कि या या अल्लाह तू मुझे अपने किसी काम में लगा, क्योंकि मेरे से डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैंने क्या करना। उन्हीं दिनों में मेरी सास हैं, उसे हम बोलते हैं लाली आंटी बोलते हैं, वो आई वहाँ से, और मेरे ससुर हैं डॉक्टर शबीर साहब, वो आई सऊदीया से, और उन्होंने आके कहा कि पाकिस्तान चलो की खाते पे ने, तो बड़ी महंगाई है, और एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं वहाँ, रोटी फ्री दे देना, सालन फ्री दे देना, मैं देख लूँगी। तो मैंने बताया आपको कि जब ये पैसा भी बना लिया जितना चाहिए था, हर चीज़ हो गई, मेरे पे फेजेस आते थे तो मैं बड़े डाउन फेज में था। उस फेज की वजह से मैंने सोचा कि ये बनाएगी, ये चलाना मुझे पड़ जाएगा, तो मैंने उस पर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, और मैं सोचता रहा कि इसके लिए बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ही। फिर मेरे एक दोस्त थे, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, उनके साथ हमेशा मैं साथ इकट्ठे होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार खाना खिलाने को बड़ा दिल करता है, उसको बहुत शौक था खाना खिलाने, उसने कहा खाना खिलाने को बहुत दिल करता है और पैसे नहीं है। मैं सोच में पड़ गया कि ये घर में पहले इतने दिनों से ये बात चल रही है और अब मेरे दोस्त ने भी कह दिया। तो जब मैं रात को घर पहुंचा तो मुझे कैंटकी यूएसए से कॉल आई, डॉक्टर जहांजेब हैं, उन्होंने वहां से मुझे कॉल किया, और वो मेरे दोस्त के ब्रदर इन लॉ है, उसने मुझे कॉल किया और काफी देर में से बात करता रहा, शायद मैं टीवी देख रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ, और करते करते मैंने उसे कहा कि वो क्या काम है जिसके लिए तूने मुझे इतने साल बाद याद किया, तो उसने कहा जी मैं खाना खिलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बजट बताओ, तो उसने बजट बताया कि जी $1,000 मेरा बजट है। तो मैंने फोन उठाया और अली को फोन किया, अपने दोस्त को, और मैंने कहा अली तेरी कॉल जो है ना वो कैंटकी में जाके लगी है, और अल्लाह ने तेरा सिलसिला बनाया और $1,000 तेरा बजट बनाया। फिर आगे रमजान शुरू हो रहा था 3-4 दिन के बाद, तो हमने फैसला किया कि रमजान में उसको शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैंने तब तक यही सोच रहा था कि ये जो है आंटी खिलाना चाहती है, अली खिलाना चाह रहा है, और वो पैसे दे रहा है, तो मैं उनका इंटरसेक्शन हूँ, और मैं जो हूँ सिर्फ इसलिए मैं फैसिलिटेटर का रोल प्ले करूँ, और मैं अल्लाह से तब भी मांग रहा था कि या अल्लाह कि मुझे मेरा काम अनायत किया जाए, क्योंकि मैं कभी भी वो ट्रेडिशनल होस्ट नहीं था, तो मैं बड़ा रुखा सा होस्ट था, और मैं फूडी भी नहीं हूँ, मैं कोई खाने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे जो भी आप दे दे मैं खा लेता हूँ। मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आया कि ये जो खाना है ये किसी तरह की अता हो सकती है या मुझे ये डायरेक्शन दी जा रही है। सो आई वॉज सो गूफ वे वो जो था वो हमने शुरू कर दिया, और बैनर लगाया कि जी इफ्तार फी सबीलिल्लाह, और वो आंटी को बुलाया और एक रिबन हमने रखा कि ताकि याद रहे, उनसे कटवा दिया। 40 बंदे पहले दिन आए, 22 बंदे हमने मदरसे से बुलाए कि जी ताकि वो ना हो, खाली ना रह जाए, 18 मजदूर आए, 40 बंदों से हमने खाना शुरू किया, और आज हम इस वक्त 45,000 खाना रोज का जो है माशाल्लाह, वो जो है हम पका के और देते हैं। और तो इस तरह का जर्नी है, ये हमारा स्टार्ट है। जब ये चला, अच्छा वो यही होता था कि पैसे आते तो चले जाते थे, 2 साल बाद हमारा को बजट था को 13,10,000 समथिंग। तो वो होता ये था कि वो मेरा दोस्त जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो खाना बनाता था, और हमने कभी उस पर एतराज भी करते थे, जाने देते थे, वो लंगर की तरह चलता था। फिर बाद में क्या हुआ कि वो जहाँ डॉक्टर जहाँजेब ने मुझे कहा कि शायद भाई हो सकता है मैं पैसे भेजूँ या ना भेजूँ, लोग तंग करना शुरू हो गए, तो तुम पैसे भेज दो, तुम्हें अमेरिकन ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं अपने बड़े भाई से बात करूंगा और इसे टेकअप कर लेंगे, खुद कर लेंगे एज एज फैमिली। और लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले आ रहा था, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, मैं सोचता था जुलाई में बात करूंगा। तो वहां से एक मूवमेंट चली जो मैंने आपसे शेयर की, उसमें
हुआ ये कि भाई ने मेरे पूछा कितने पैसे लगते, उन्होंने कहा जी कि $12,000 देते हैं डॉक्टर जहाँ से, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अपने फाइनेंस वाले को मैं कहता हूँ कि $12,000 जो है वो अकाउंट में डाल दे और तुम लोग उसका खाना खिलाओ। लोग आते हैं, हमने कहा जी आते। अच्छा, उसने मेरी बेगम, असल बात यूं हुई कि उन्होंने मेरी बेगम से पूछा कि क्या बात है, शायद की आवाज़ ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि खाना जो है वो शायद बंद हो जाए। उस पर मेरे भाई ने कहा कि $12,000 जो है कंपनी अकाउंट से मैं डाल देता हूँ, तो लोग खिलाओ खाना। एक और दोस्त है हमारे, शाम में वो उनके साथ बैठे हुए थे, तो भाई ने जब शाम को मुझे कॉल की कि तू क्यों परेशान है, बस पैसे हो गए, तुम लोग खाना कंटिन्यू करो। वो साथ बैठे हुए थे, जावेद छोटानी एक हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा खाना चल रहा है, लोग आ रहे हैं, हाँ 3.5 लाख मेरा डाल। फिर मुझे स्विट्जरलैंड से एक दोस्त है यूनिवर्सिटी को, उसकी कॉल आई, खाना चल रहा है, मैंने कहा 60,000 मेरा डाल दे। फिर एक और की कैनेडा से कॉल आई, खाना चल रहा है, हाँ चल रहा है, 90,000 मेरा डाल दे। तो वो जो फोन है वो रुके ही नहीं, वो फोन आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। और फाइनली ये हुआ कि मैं, मेरे एक एक फैमिली है जो मेरी कस्टमर है, उनके यहाँ मैं गया था फीको मशीन लेने आई हॉस्पिटल के लिए, तो वहां मैंने उनसे मशीन ले नहीं पाया था। तो मैं वापस आया तो वो फसीहुद्दीन उनका नाम है, फसी भाई है, वो यहाँ पर बड़ी फैमिली पॉपुलर है ऑप्थमोलॉजी में, डिप्लोमर के नाम से ऊपर जाने जाते हैं। कि मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा शायद भाई आपसे काम है, और वो उन्होंने बड़ी लंबी तकलीफ बांधी कि एक डॉक्टर आसिफ है उनके साथ, मेरा ये है वो है, वो जो है ना कि, और वो बात ना बताए कि काम है जो मेरे जेन में आया कि कौन कर सकता है, तो मेरे जेन में आया आप कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा था कि आई हॉस्पिटल में एक चला रहा हूँ, तो शायद ये कोई एक और आई हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने सेटअप भी बना लिया था, फिर वो यूं हो गया, अब वो हमें फिर छोड़ना पड़ा सेटअप, वो डॉक्टर साहब पीछे हट गए। मैंने उसे तंग आके कहा कि फसी भाई आपने मुझे बताया नहीं कि वो काम है क्या, तो उन्होंने कहा हम खाना खिलाना चाहते। फिर वो दिन जो था वो बड़ा सख्त, वो मोमेंट बड़ी सख्त थी, और मैं और मेरी बेगम खाना खा रहे थे और मैं रोना शुरू हो गया और मैं धाड़े मार मार के रोया, और मेरी बेगम ने कहा कि क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि यदि फरिश्ते एंटर होंगे वो कहेंगे कि तुम जैसा बेवकूफ देखा नहीं, पहले तुम्हारी माँ के मुंह से बोले तुम नहीं समझे, फिर तुम्हारे बेहतरीन दोस्त के मुंह से बोले तुम नहीं बोले तुमने नहीं समझा, फिर तुम्हें पैसे दिए हमने और तुम्हें चला के सिस्टम दिखाया कि ये जो है ये नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अभी फरिश्ते आएंगे, दरवाजा खुलेगा और वो मुझे मारना शुरू कर देंगे, कि यार कितना भी बेवकूफ आदमी कौन हो सकता है। तो फिर तब से ये हुआ कि मुझे समझ में आई कि ये वो जो मेरी दुआ थी वो पहले ही कबूल हो गई थी, और उसके बदले में मुझे खाना अता किया गया था कि जिसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर वहां से फिर हमने खाना सीरियसली शुरू किया, फिर हमने वो जो खाना था वो आउटसोर्स किया, ब्लेसिंग एक मैरिज हॉल है उसको, ताकि खाने की क्वालिटी अच्छी हो सके। उसके फिर हमने मेन्यू सेट किए, फिर हमने स्टेनलेस स्टील, जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा शुरू किया। फिर हमने एक शॉप खरीदी, फिर हमने उस पर पढ़ना शुरू किया, और लेकिन चलाता मेरा दोस्त ही था मोहम्मद अली, उसका नाम है, वो ही चलाता था उसको, वही देखता था। तो अभी फिर ये हुआ कि तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले मैनेजमेंट में चेंज हुई, तो फिर मुझे फ्रंट पे आना पड़ा। तो मैं तो पहले भी मेरा कोई बिजनेस में इतना दिल नहीं लगता था, तो फिर मैंने आके अब एक्टिविटी शुरू की है। तो तब से ये हुआ कि हमने, मैंने उसे पढ़ना शुरू किया कि खाने को पर्पस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि हर दोस्त हमें कहता था कि ये जो तुम रोड साइड दस्तरखान चलाते हो, तो इसमें तो कि मैं उसको भी बड़ा अच्छा जस्टिफाई कर सकता हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आई कैन आंसर दिस कि वो क्यों ज़रूरी है रोड साइड दस्तरखान। लेकिन एनीवे तो सारे दोस्त कहते थे कि तुम्हारी तालीम का क्या फ़ायदा, कि अगर तुम इसको कोई पर्पसफुल चीज़ में कन्वर्ट ना करो। तो मैंने जब स्टडी किया तो फिर उसमें से स्कूल भी मुझे नज़र में आया, और अखोवत के वो हैं दोस्त हमारे, उन्होंने मुझे मिलाया इनके साथ, ताबिश वेलफेयर के साथ, वो मारतरीन भाई हैं, उनके स्कूल चल रहे थे, तो हमने उनको दिया। फिर उन्होंने मिलाया कस्टम वेलफेयर से, उसमें आसिफ जहाँ साहब हैं, तो हमने क्या किया, जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमने स्कूल बनाए हुए थे उनको स्कूल मील देना शुरू किया, और उसमें हमने उसके मेन्यू, उसके लॉजिस्टिक, उसकी क्वान्टिटीज, उसका वो सारे सिस्टम्स हमने सेट किए। जब वो सेट हो गए तो फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट को पिच किया 3 साल पहले, वो तो हमको 2-3 साल खिलाते रहे, उसको फाइन ट्यून करते रहे। फिर हमने उसको पिच किया और फिर वहाँ से हमने हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब हमारा जो सफ़र है वो ये है कि हम लाहौर में खिला रहे थे, फिर हम फेडरल में गए, फेडरल से हम गिलगित बल्तिस्तान में गए, जिसमें गिलगित है, चलास है, स्कर्दू है, और अभी हम फैसलाबाद।